वाराणसी अक्ता के पास मलिन बस्ती में लगभग 100 लोगों के खाने का इंतजाम सारनाथ के समाज सेवी कंचन गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। समाज सेवी कंचन गुप्ता द्वारा यह इंतजाम लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए किया गया है। आपको बता दें कि अक्ता के पास मलिन बस्ती में काफी ऐसे परिवार हैं जिनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लगभग 100 लोगों का खाना सुबह और शाम दो समय का इंतजाम खुद कंचन गुप्ता द्वारा किया गया है और इसे बांटने का बीड़ा भी स्वयं समाज सेवी कंचन गुप्ता ने ही उठाया है ताकि कोई छूट न जाए। आपको बता दें कि खाने में कभी पूरी सब्जी, कभी चावल दाल तो कभी रोटी पराठा दिया जाता है। विशेषतः बच्चों का ख्याल रखा जाता है। इस पूरे इंतजाम के दौरान सारनाथ के पुलिस कर्मी भी साथ में रहते हैं। जब से लॉकडाउन की स्थिति आई है तब से वाराणसी के कई इलाकों में मलिन बस्ती, मुसहर बस्ती के साथ साथ जिन इलाकों में मजदूर तबके के लोग रहते हैं वहां पर भोजन की विकट समस्या उजागर हुई है। ऐसे लोग जो एक दिन कमाते थे तो एक दिन का खाना नसीब होता था, उनके लिए लॉकडाउन एक विकट समस्या थी। ऐसे में समाज सेवी कंचन गुप्ता की तरफ से कई ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने सामने आकर इस विकराल समस्या से लड़ने की हिम्मत दिखाई है और अलग अलग इलाकों में जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया है। रिपोर्टर्स पेज ऐसे समाज सेवियों के जज्बे को सलाम करता है। तुम लोग इधर लाइन में लो, लाइन में लो। दूर आप कहाँ जाओगे? हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? पैदल चले जाओ। तुम लोग कहाँ आए? दर्शन के लिए हमारे पास तुम्हें गाड़ी बोला था। ऐसे कोरोना भागेगा? घर में रहो, कहीं घर में रहो, कहीं जाओ मत। हमको भेजो ना, जो लोग हैं भेजो ना। कितना है ये? अशोका इंस्टीट्यूट के पास कंचन गुप्ता सारनाथ की तरफ से 100 आदमी का सवेरे, 100 आदमी के शाम का लंच पैकेट दिया जाता है। ऐसी लॉकडाउन के दिन से ये कार्यक्रम चालू किया गया है। सारनाथ थाना, सारनाथ एसओ के द्वारा दो दरोगा पुलिस का इंतजाम किया जाता है जो यहाँ पे लोगों को बुला के इकट्ठा करते हैं। इसके बाद यहाँ भोजन का वितरण किया जाता है। इस भोजन में किसी दिन पूड़ी सब्जी, किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन वेज बिरयानी का इंतज़ाम किया गया है।